ये वीडियो सबके लिए सबार जन्य वेरी इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह ये तो खलास होने वाला है, कोई नवा नहीं है। जैसा आप लोग हम सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत आदमी लोग झूठ बोलते हैं आप लोग को, और तुम लोग उन लोग को फॉलो करते कि और एक महीना बढ़ा देगा या दो हफ्ता बढ़ा देगा, कुछ बढ़ा नहीं देगा, ये याद रखो। और एक तारीख से इतना भरा भरा चेकिंग होएगा सब जगह में। इंशाल्लाह अगर आप टैक्सी में हो तुम्हारा आईडी पूछेगा, तुम बस में हो तुम्हारा आईडी, मित्रों में हो या तुम अगर लोकल का घर में भी काम करेगा जैसे नौकर है कुछ, उन लोग भी उधर आएगा आईडी पूछेगा कौन कौन उधर है कौन कौन नहीं है। फिर मत बोलो कि हमने बोला आप लोगों को, तुम खुद लोग को संभालो। हम इसलिए हम बोलते थे तुम लोग जाओ जल्दी खलास करो, हम दो महीने से आप लोग को हाथ जोड़ता है जाओ जाओ दो महीने से, लेकिन आप लोग का मर्जी। लेकिन हम बोलते हैं तुम बीमार भी हो गया कोई हॉस्पिटल तुमको नहीं इलाज करेगा कि तुम्हारे पास आईडी नहीं है। तुम किधर भी जाएगा, शायद तुम मनते सुपरमार्केट जाएगा, खाना या माना कुछ भी खरीद करेगा, वो लोग भी आईडी पूछेगा। अभी सब आईडी पूछते हैं क्योंकि वीजा आईडी में है और बाकी आप लोग का मर्जी। इसलिए हम बोलते हैं ये जो यूई किया है ये आप लोग के लिए किया है ये दो महीना। लेकिन बहुत आदमी क्या सोचते हैं, नहीं वापस माफी आएगा, वापस कुछ नहीं आने वाला है। और आप लोग अभी देखिएगा क्या होगा, जैसा हम बोलते हैं फिर तुम लोग खुद देखो। और हम थोड़ा सा ये भी खबर हमको मिला है कि दुबई में तो चेकिंग शुरू भी हो गया है। এখনও যারা অবৈধ আছেন অ্যামনিস্ট্রিতে যান, আমির সেন্টারে যান, নিজেদের ভিসার ফাইন মওকুফ করেন এবং পুনরায় বৈধ হয়ে যান।